अच्छा, आपका जो मतलब संगीत के की जो मंचीय प्रस्तुतियां होती हैं देश विदेश में, यहां वहां जाकर एक कलाकार के तौर पर, मंच के कलाकार के तौर पर, उसके अलावा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा है आपका संगीत के फील्ड में, उसके बारे में भी बताइए हमको। एकेडमिक देखते हैं तो मेरे पास अभी संगीताचार्य करने वाली दो लड़कियां सीख रही हैं, भारतीय विद्यापीठ में एमए करने वाली दो लड़कियां सीख रही हैं, और मैं उन एक ऐसे प्रयोग अलग अलग करती रहती हूँ कि लाइक स्वरधर और करके हमारा प्रोग्राम है, उसमें रहता है कि अष्टपदी, तराना, चतरंग, रागमाला, ध्रुपद, त्रिवट, ये सब उसमें आ जाता है और उनको मैं सिखाती हूँ। और मैंने एक यूट्यूब चैनल पे मेरी एक सीरीज भी अभी शुरू की है, ऑफबीट रागास। तो मैंने सोचा कि संगीताचार्य करके मैंने इस रागों की पहचान तो की है, लेकिन ऐसी है कि इनको आर्काइव्स करने की जरूरत है अभी, आर्काइव्स की मीन की एक राग लेकर लाइक चैती गौरी लिया मैंने जब, तो उनका उसका डिस्क्रिप्शन हिंदी में, इंग्लिश में और मराठी में, ऐसा करके चैती गौरी का सब नियम रूल्स क्या है, उसमें कौन से स्वर आ जाते हैं, कौन सी बंदिश है, कौन से घराने में क्या किस तरह गाया जाता है। अभी मेरा ये प्रोजेक्ट शुरू है अभी, वो मेरे पिताजी की ही इच्छा रही है कि तुम ऐसा कर दो जन्म भर के लिए, और आगे भी कोई इसका अभ्यास करने वाला हो तो उनके लिए भी बहुत ये उपयोगी रहेगा। और कुछ राग ऐसे होते हैं, अभी मैं और इतने 2013 में मेरे मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ, तो अभी मैं सोचूंगी कि लच्छा साखे कैसा होता है, देवगिरी बिलावल कैसा होता है, तो कई बार ना ये मुझे कंफ्यूज कर देता है, तो मुझे आप इसका महत्व महत्व आ चुका है कि क्योंकि ये करना जरूरी है, क्योंकि ये करके मैं मुझे भी रिवाइज हो जाएगा, बाद में करने वाले को भी ये बहुत उपयोगी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आपने तो रेवा जी कई रागों का भी सृजन किया है, कई नहीं कहना चाहिए लेकिन कुछ रागों, कुछ नए रागों का भी सृजन किया है, और उसमें से एक राग यस बहुत खास है क्योंकि वो बहुत खास व्यक्ति के लिए है। उस राग के बारे में हाँ बताइए, और उस खास व्यक्ति के हाँ बारे में हाँ बताइए, और उस हाँ राग के बनाने के पीछे की कहानी भी बताइए। राग नरेंद्र की रचना करने के पीछे एकमेव ऐसा कारण मैं मानती हूँ कि पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के प्रति मेरे मन में बसा अतीव सम्मान और स्नेह। कई सालों के बाद भारत ने, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी मेरा मत है कि भारत ने ऐसा नेता पाया कि जिसका व्यक्तित्व देखकर हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उनको मेरा हर वक्त सादर अभिवादन नहीं रहेगा। सादगी से परिपूर्ण, अपरिग्रहशील होने वाले मोदी जी कभी भी हम देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, दैदीप्यमान दिखते हैं, उनके वचन में आश्वासन और चाल में एक विश्वास दिखता है, देशभक्ति तो है ही, उनके रगों में दौड़ती रहती है। हम लोग देखते हैं रिश्तेदार होते हैं जैसे उनके भी होंगे, लेकिन वे कभी अपने रिश्तेदारों में घिरे नहीं दिखते अपने आप को, कभी नहीं। मैंने जो देखा है उनको टीवी पे और उनकी बातें न्यूज़पेपर्स में सुनिए, तो कोई रिश्तेदार में घेर घेर के बैठे हैं ऐसा तो कभी मुझे नहीं दिखा, और कभी छुट्टी नहीं लेते और कार्य रहते हैं, और क्या बोलना चाहिए और कब शांत रहना चाहिए, और ये
हर समस्या का समाधान निश्चित करना है, या उनसे बेहतर कौन जाने, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा है कि राजकारण जो है, राजनीति है, दो पार्टियां रहती है, ऐसे है। मोदी जी किसको पसंद है, किसको ना पसंद है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है ये इसके कारण के वजह से। और ऐसे उनके स्वभाव में एक अनोखी मिठास मुझे लगती है। कोई भी काम करने में उनका स्वार्थ नहीं मुझे दिखता। और ऐसे श्रेष्ठ नेता मैं उनको मानती हूँ, तो ऐसा मुझे लगा कि उनके लिए कुछ मुझे करना चाहिए। तो ऐसे ही अब मैं राग करने के लिए बैठी हूँ, अब क्या हो है, क्या क्या है, ये है क्या ते वो राग के ले क्या वो ये राग खोलू, ऐसा नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि ये तीनों राग मिलके, सरस्वती, जनसम्मोहिनी और झिंझोटी, ये तीन राग मिल, ऐसे ही मैं बैठी थी और वो ट्यून हो गया। और इसीलिए उसका राग भी मैंने, नाम भी मैंने राग नरेंद्र ही रखा है। बिल्कुल। और मैं आपके YouTube चैनल को जब खंगाल रहा था तो उसमें मुझे वो राग भी मिला। और निश्चित तौर पर ये तो सिर्फ एक राग के बनने की कहानी है, लेकिन राग का सृजन अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक मेथड है, एक वैज्ञानिक, मुझे लगता है, प्रणाली है। अब फिलहाल इस इंटरव्यू को खत्म करें तो हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो जो पिता के दिए हुए संस्कार हैं वो तो रहे ही रहें। ये नए रागों के सृजन की जो ये मुझे लगता है कि शायद सोच के कर भी नहीं सकता कोई। ये किसी दिन अचानक कुछ ऐसा होता है, जैसे अभी आपने भी सुनाया, और मैं चाहे पंडित देबू चौधरी की बात कर लूं या उस्ताद अमजद अली खां साहब की बात कर लूं, जिन लोगों से मैंने इस विषय पर बात की है कि नए राग के सृजन पर, और निष्कर्ष यही निकल के आया है कि एक दिन अचानक आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जहन में नया आया है। ऐसे नया, ऐसी नई चीजें आपके जहन में भी आती रहे, ऐसी मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और आपने वक्त निकाला और बचपन की शरारतों के बारे में भी बता ही दिया, तो ये इंटरव्यू आखिर तो में बहुत एक बात ही मैं कहना चाहती हूँ, जी। जैसे मेरे पिताजी, मेरे माँ, इन सब लोगों मेरे वेल विशर है, वैसे ही मेरे हस्बैंड अभिजीत नातू और मेरे बच्चे भास्कर और ऋषभ भी, वो भी मुझे बहुत हेल्पिंग है। और मेरे रियाज में कभी वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। मैं उसके यहाँ भी भाग्यशाली हूँ। मेरे सास ससुर, मेरे देवर, सब मुझे बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है, मैं गाती हूँ वगैरह। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप के चैनल पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सारे लोग इसीलिए आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि जब वो सुरों की मिठास तो आप ही की तरफ से आती है ना। पुनः थैंक बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू, थैंक यू सो मच।
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।